हमारे जीएमसी जम्मू और इसके एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स की एक अच्छी कोऑर्डिनेशन का ये एक और बेहतरीन इनिशिएटिव है, जिसमें पहले तो हमारे सर्जन्स की काबिलियत कि उन्होंने रीनल ट्रांसप्लांट शुरू किया, उसके बाद हमारे इंटेंसिविस्ट्स की काबिलियत की उन्होंने ऐसा महसूस किया कि कुछ अनफॉर्चुनेट ब्रेन डेड जो होते हैं उनके मॉर्टल रिमेन्स में से इमॉर्टल रिमेन्स, जैसे कि कुछ ऑर्गन्स पूरे संसार में भी देखा जा रहा है और भारत में भी 5 हमारी स्टेट्स हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 600 ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स वहाँ पे लाइव डोनेशंस हो चुकी हैं। एक तो होता है कि डिजीज्ड ऑर्गन डोनेशन, यानी जिसमें ब्रेन डेड हैं और हर ब्रेन डेड का किडनी, हार्ट, लंग्स, पैनक्रियास, स्मॉल बाउल, लिवर, इवन आंख, कॉर्निया, ये सारे डोनेट हो सकते हैं और इतनी जिंदगियों को राहत मिल सकती है, नई जिंदगी भी मिल सकती है और अगर आंखें हों तो रोशनी भी मिल सकती है कई अंधों को। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। लाइव ऑर्गन डोनेशन तो हमारे यहाँ शुरू हो गई, कुछ अपने सगे संबंधियों ने किडनी फेलियर के अपने चहेतों को किडनीज डोनेट की, अब हम डिजीज्ड ऑर्गन डोनेशन की तरफ जा रहे हैं कि ऐसा रिसोर्स है हमारा जो ब्रेन डेड्स हैं उनके ऑर्गन्स जो हैं वो डिजर्विंग रिसिपिएंट्स तक पहुंच जाएं। जब तक ना हम अपने यहाँ लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट शुरू करें, तो भारत सरकार का ऐसा एक प्रोग्राम है नाटो के अंडर, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, और हमारा जो रीजनल सेंटर है नॉर्थ इंडियन रीजनल सेंटर नाटो, वो पीजीआई चंडीगढ़ में है। तो एक हमने शुरुआत की है कि हमारे यहाँ से भी ऑर्गन्स जो हैं वो डोनेट होने शुरू हो जाएं डिजीज्ड के, जैसे चंडीगढ़ में महज 65 घंटे ओल्ड एक बच्चा यंगेस्ट डोनर रहा। चंडीगढ़ में देखा गया कि पिछले साल 44 डिजीज्ड ऑर्गन डोनेशंस हुई, तो हमारे यहाँ अभी शुरुआत नहीं है। दक्षिणी भारत में ये काफ़ी रूटीन बन चुकी है, लेकिन उत्तरी भारत में सिर्फ पीजीआई चंडीगढ़ ही लीड कर रहा है। हम सारे भी बिल्कुल आगे आना चाहते हैं, इतनी ज़्यादा हो सके जिंदगियाँ बचा सकें। तो आज हमने एक मॉक ड्रिल की जिसमें हमारे ऑपरेशन थिएटर में से रिट्रीवल टीम जो नाटो नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन भेजेगी, रिट्रीवल टीम्स आएंगी हमारे यहाँ से डिजीज्ड जो हैं ब्रेन डेड जो हैं उनके ऑर्गन्स रिट्रीव करके रिसिपिएंट्स तक पहुँचाएंगी। तो ये एक कोशिश है जिसमें कम से कम टाइम लगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हार्ट जो है 4 से 6 घंटे ही वाइबल रहता है, तो यहाँ से वो हार्ट रिसिपिएंट तक 4 घंटे में पहुँच जाना चाहिए। ऐसे ही किडनीज जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा देर वाइबल रह सकती हैं, लंग्स और लिवर 8 से 10 घंटे रह सकते हैं। तो टाइम ज़ाया ना हो, ग्रीन कॉरिडोर को लेके एक मॉक ड्रिल थी। ये एक कंपोजिट ड्रिल है, इसमें हमारी जो एक तो मेडिकल कॉलेज की कोऑर्डिनेशन का नमूना है, लेकिन बहुत ज़्यादा धन्यवाद करने की बात है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको बहुत ज़रूरी समझा है हमारी इस इनिशिएटिव को, दे हैव जॉइंट हैंड्स विद अस। ऐसे ही हमारी ट्रैफिक पुलिस जो बिल्कुल अनइंटरप्टेड अनहर्डल्ड ये पहुंचाएंगे, एम्बुलेंसेस जो हैं वो बिल्कुल पहुंच जाएंगी, और जो फ्लाइट है वो पूरा फिक्स्ड है कि दिल्ली जाने हैं ये ऑर्गन्स, तो एयरपोर्ट की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं सारी वो भी अनहर्डल्ड होंगी, और बहुत सारा पेपर वर्क भी इसमें होता है वो सारा करते कराते, और हमारी लोकल पुलिस का भी इसमें हमारे साथ बिल्कुल है। ये मॉक ड्रिल्स करेंगे तभी हम उस एक्चुअली उस स्थिति तक पहुंच पाएंगे जिसमें हमारे यहाँ के ऑर्गन्स, जिसमें अनफॉर्चुनेट ब्रेन डेड इंडिविजुअल्स के ऑर्गन्स बहुत सारी जिंदगियाँ बचाने के लिए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच पाएंगे।